हेलो फ्रेंड्स, आपका गीताज वर्ड में स्वागत है। और आज मैं बना रही हूँ मूंग और चावल की खिचड़ी। गर्मी का सीज़न है, बहुत गर्मी पड़ रही है, कितनी झटपट खा लिया जाए और कम मसाले वाली चीज़ें हों और एक ही बार में बन जाए। इसके लिए मैंने लिया है मूंग। मूंग लिए मैंने इक्वल भाग में है, अगर एक कटोरी मूंग है तो एक कटोरी चावल भी रहेगा। अच्छे से हम इसे साफ कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या किया है, मूंग और चावल को छिलके वाली मूंग ली है, छिलके वाली मूंग है, एक कटोरी मूंग है छिलके वाली, तो एक कटोरी रहेगी चावल। तो हमने यहाँ पे दोनों मिला के एक कटोरी लिया है, उसे अच्छे से दो तीन पानी से धो लिया है। उसके बाद हम जो है, अगर एक कटोरी हमारी मूंग और चावल मिला के है तो इसका तीन और डालेंगे हम पानी, यानी कि एक कटोरी मूंग और चावल है तो हम तीन कटोरी पानी डालेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे हल्दी, और हल्दी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। और इसमें हम नारा क्या है, हम जब कुकर बंद करते हैं तो कभी कभी उसमें दाल ऊपर की ओर आ जाती है और कुकर गंदे हो जाते हैं, उससे बचने के लिए हम इसमें डालेंगे या तो घी डालिए या तेल डालिए। घी या तेल डालने के बाद हम इसमें और कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ इसमें हम डालेंगे ढक्कन अब लगा देंगे। हमें यहाँ पर सिर्फ नमक और हल्दी और तेल या घी डालकर ही पकाना है। और अब हम जो है तेल डाल दिए तो हमारा कुकर गंदा नहीं होगा। इस पर अब हम ढक्कन लगा देंगे, इस तरह से हम इसे पहले बंद कर देंगे। उसके बाद हम चलेंगे गैस की तरफ। गैस पे हम जो है फ्लेम को हाई फ्लेम रखेंगे, और पहली सीटी जो है, पहले सीटी हम जो है हाई फ्लेम पर आने देंगे। जब हाई फ्लेम पर एक सीटी बच जाएगी फिर हम दो सीटी मीडियम पे बचाएंगे, और जब हमारा इधर कुकर हो रहा है तब तक हम जो है इसको पकाने की तैयारी करते हैं। उसके लिए हमने लिया है पीनट। ये पीनट जो है कच्ची है, इसे हमने थोड़ा सा कूच लिया है, कूच के थोड़े से छिलके जो थे वो निकाल दिए हैं। साथ में हमने लिए दो सूखी लाल मिर्च, और ये है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता लिया है, नीम पत्ता, कड़ी मीठी नीम, और ये है एक जो है बड़ी साइज की प्याज है, उसे हमने छोटे छोटे चॉप कर लिए हैं। और कुछ जो है लहसुन है 10-12 कलियाँ, उन्हें हमने छोटे छोटे चॉप कर लिए हैं। छिलने के बाद एकदम महीन महीन छोटे छोटे टुकड़ों में उसे चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक मीडियम बड़ी साइज की प्याज और जो है 10-12 लहसुन की कलियाँ ली हैं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हम रखेंगे कढ़ाई। कढ़ाई को पहले हम अच्छे से गर्म हो जाने देंगे, उसके बाद हम उसमें डालेंगे जो है तेल, घी डालेंगे, क्योंकि हमें खिचड़ी पकार करनी है। घी डालेंगे, जब हमारा घी गर्म हो जाएगा तब हम उसमें डालेंगे कुछ बघार के सामग्री, ड्राई मसाले, जैसे जो है खड़े मसाले, जिसमें कि हम सबसे पहले डालेंगे जीरा। जब हमारा जीरा थोड़ा सा चटकेगा, साथ में हम डाल देंगे दो तीन लौंग। लौंग डालेंगे, और इस लौंग डालने के बाद इसमें हम कुछ काली मिर्च डालेंगे, ब्लैक पेपर डालेंगे, खड़ी काली मिर्च। अब जो है यहाँ पे हम इसे थोड़ा चटकने देंगे। अब हम इसे थोड़ी देर इसी तरह जीरा और मरीच लौंग को चटकने देंगे। जब हमारा ये बघार हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे जो हमने लहसुन छोटे छोटे काट के रखे थे, वहाँ यहाँ पर उसे भी डाल देंगे। अब इसे इनके साथ हम इस लहसुन को भी थोड़ा सा भूजेंगे। अब जब लहसुन डालने के बाद उसके 2 सेकंड बाद हम इसमें सूखी लाल मिर्च डालेंगे, जो हमने सूखी लाल मिर्च दो रखी थी उसे डाल देंगे। यहाँ पे हम डालेंगे कड़ी पत्ता, नीम पत्ता, मीठी नीम, आप जो भी बोलते हो, यहाँ पे कड़ी पत्ता डाल देंगे, और इसे डालकर भी हम इस तरह से पकने देंगे। अब हम थोड़ी देर इसे इसी तरह पकने देंगे, और ये बहुत अच्छा लगता है। इसे जो है काठियावाड़ी खिचड़ी कहते हैं इस तरह से। और इसको अब हम हल्के हाथों से चलाएंगे, क्योंकि हमें इसे सिर्फ थोड़ा सा गोल्डन जैसा, पिंक कलर या गोल्डन कलर जैसा आ जाए, हमें बहुत ज़्यादा काला नहीं करना है, थोड़ा सा ही इसे फ्राई करना है। इसके बाद जब हमारा थोड़ा सा लहसुन हो जाएगा, फिर यहाँ पे हम डाल देंगे पीनट। पीनट हमारी कच्ची थी तो थोड़ा सा ये तेल घी में जो है हमारी रोस्ट हो जाएगी। यहाँ पे इस तरह से हम इसे 1 मिनट के लिए इसे भी भूज लेंगे, और इस समय हमारी जो आँच है, फ्लेम है, वो लो रहेगा।
अब हम इसमें डाल, जब हमारी पीनट भी हो डाले एक मिनट हो जाएगा, फिर हम जो एक बड़ी साइज़ की प्याज छील कर छोटे छोटे चॉप कर लिए थे उसे भी हम डाल देंगे। और अब हम घी में प्याज मसाले ये सारा अच्छी तरह से भूजेंगे। प्याज जो है हमारी डार्क गोल्डन नहीं लेकिन पिंक गोल्डन थोड़ी सी हो जाए, पिंक से ज़्यादा कलर, इतना हमें भूजना है। अब यहाँ पे हम आधे इंच जितना टुकड़ा लिए हैं अदरक का, उसे भी हमने छील लिया है। छीलने के बाद इसे हम यहाँ घिस कर डालेंगे। आप यहाँ पे छोटे छोटे चॉप करके भी डाल सकते हैं, पेस्ट हो तो पेस्ट भी डाल सकते हैं, पर ये घिसा हुआ डाला हुआ अच्छा लगता है। यहाँ पे इनको भी हम डाल देंगे और सभी चीज़ों को डालकर हम यहाँ पर इसको चलाएंगे। हाँ, अब यहाँ पे जो हमारी फ्लेम है वो स्लो ही रहेगी, स्लो से आप मीडियम पे रख सकते हैं, मीडियम टू लो पे रख सकते हैं। इस तरह से हम प्याज और अपने लहसुन मूंगफली मिर्च सभी को अच्छे से भूज लेंगे और इस तरह से हम चलाते रहेंगे। और ये जो है ना काठियावाड़ी खिचड़ी इसे बोलते हैं, आप इसे ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी लगती है। गर्मी के दिनों में तो हल्के हल्के खाने खाने में अच्छे लगते हैं जिसमें कम से कम मसाले पड़े हों। और ये देखिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाला है प्याज के हिस्से का, बाकी तो खिचड़ी में नमक पड़ा ही है। और थोड़ा सा इसको भी हम इसके साथ भूज देंगे। और नमक डालने से क्या होता है, प्याज हमारी जल्दी भूज भी जाती है। और ये देखिए ऐसे 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 भोजन जो हैं गर्मी के दिनों में खाने में अच्छे लगते हैं जिसमें कम मसाले हों। अब इसमें हम थोड़े थोड़े जो है सूखे मसाले डालेंगे, जैसे कि रेड चिली पाउडर। अगर आप तीखा नहीं खाना चाहें तो यहाँ पे आप काश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल सकते हैं, थोड़ा सा उनका लाल कलर होता है खिचड़ी का। और यहाँ पर जो है अब हम डालेंगे थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, और बस इस तरह से हम इसको डाल देंगे। और यहाँ पे फिर हम और बहुत ज़्यादा इसमें मसाले नहीं पड़ते हैं, और बस हमने रेड चिली पाउडर डाला है और यहाँ पे धनिया पाउडर डाला है। बस इस समय जो हमारी फ्लेम रहेगी वो एकदम लो रहेगी। आपके इच्छा हो तो यहाँ पे आप बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि इतनी गर्म होता है कि मसाले भुज जाते हैं। अब इन मसालों को भूजने के बाद ये देखिए हमारी खिचड़ी पक गई है, इसी तरह की हमें चाहिए। अब जो है हम इधर जो है हमारे मसाले पक रहे हैं और वो भी चले हैं। अब हम इसमें जो है खिचड़ी जो हमने पका के रखी है इसमें डाल देंगे। ये जो छिलके वाले मूंग की खिचड़ी और ये जो चावल है ना, बहुत ही अच्छे और फटाफट बन जाते हैं। गर्मी के दिनों में बहुत ही फायदे भी हैं समझिए, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है कि ना मसाला खाने की इच्छा होती है, ना तो किचन में बहुत देर तक काम करने की इच्छा होती है। इसके लिए ये रेसिपी सबसे अच्छी है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। अब हम यहाँ पे सारी खिचड़ियाँ डाल इसमें जो हमने बनाई थी कुकर में, उसे यहाँ पर डाल देंगे। और यहाँ मैं हल्के हाथों के साथ जो है खिचड़ी को टर्न करूँगी, मसालों में मिक्स करेंगे, क्योंकि हमारी खिचड़ी पकी हुई है इसलिए हम बहुत हल्के हाथों से इसे यूज़ करेंगे। और इसकी एक और खासियत होती है, ये बहुत ज़्यादा सूखेगी नहीं। आप इतनी देर से इसको भूज रहे हैं ना, पर ये बहुत ज़्यादा सूखेगी नहीं। और इसे हम पूरी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और हाँ, जब तक हम इसे मिक्स करते हैं, आप लोगों को याद दिलाते हैं हमारे चैनल पे जो लोग नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और सभी लोग कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, और साथ में जो बेल आइकन दिया हुआ है ना उसे ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी जो नई नई रेसिपी है वो आप तक पहुंचे। इसलिए कृपया आप सभी लोग जो हैं हमारे चैनल पे बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और आप तक पहुंचे। और ये जो है किसी आप लोग ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसी लगी ये काठियावाड़ी खिचड़ी। बहुत ही अच्छी लगती है और गर्मी के दिनों के लिए तो बहुत ही अच्छी है। ये देखिए अब हमारी खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है, अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। सर्व करने के लिए मैं तो इसे सिर्फ, गर्मी है बहुत ज़्यादा, खड़े होने की इच्छा नहीं हो रही है, तो मैं तो इसको जो है सिर्फ उड़द के पापड़ के साथ सर्व करूँगी। इसको लोग जो है छाछ के साथ खाते हैं, या तो इसे आप इसके साथ कढ़ी बना सकते हैं या बघारी हुई छाछ। लुक्स यमी, स्वाद यमी, वाह।